मध्य प्रदेश के धार में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव केस मिलने से पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। आपको बता दें कि पूरे धार जिले के लोग 8 अप्रैल तक तो बड़ी राहत महसूस कर रहे थे, मगर धार के भोज हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज की जैसे ही कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि धार के बक्तावर मार्ग का एक मरीज भोज हॉस्पिटल में पिछले 3 दिनों से भर्ती था, जिसकी कोरोना की जांच कराई गई थी और आज देर रात की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, जिससे पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। धार शहर को 3 किलोमीटर की पराधी में सील किया गया है। धार कलेक्टर व एसपी ने अलर्ट जारी किया है, कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। धार से संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। धार में पहला पॉजिटिव केस आया है तो उसके लिए टोटल लॉकडाउन जो क्वारंटाइन एरिया है, जो आइसोलेशन एरिया है, उसको आज पूरा लॉकडाउन किया जाएगा। वहाँ पर कर्फ्यू की स्थिति जो है हम क्रिएट करेंगे, जिसमें पूरे इलाके को स्टॉपर से कवर करके और उसमें सारा आवागमन बंद किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग मिलकर इसमें कार्रवाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि बाकी सभी लोगों की प्रॉपरली स्क्रीनिंग हो जाए। देखिए, धार जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव जो है यहाँ पे एक व्यक्ति है, अल्ताफ खान, 28 भक्तावर मार्ग धार में वो रहते हैं, उनका पॉजिटिव आया है आज और हम उनका पूरा कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस कर रहे हैं। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है, 15 दिन पहले वो उज्जैन गए थे और 15th को हम इनको एडमिट किया था हॉस्पिटल में, 16th को उनका सैंपल हमने भेजा था और आज उनका रिजल्ट आया। इनका पूरा जो जहाँ रहते हैं वहाँ एपिसेंटर से पूरा हम लोग 3 किलोमीटर के रेडियस को पूरा कंटेनमेंट एरिया हम लोग घोषित किए हैं और पूरा उस कंटेनमेंट एरिया में पूरा आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबर पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.